नहीं दिखा रहा है भाई, प्लीज प्लीज नहीं। सारी चीजें कैसे हो रही थी मुझे खुद नहीं पता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड हॉरर चैलेंज, द एलिवेटर रिचुअल। और सबसे पहले ना मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, अभी रात के ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। देखो इतनी फट्टू लड़की हॉरर चैलेंज कर रही है, समझ रहे हो आप? मैं पीछे क्या देख रही हूँ, बार बार आना होगा तो आगे से भी आ जाएगी ना। तो अगर आपको नहीं पता तो गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि एलिवेटर रिचुअल होता क्या है, तो बेसिकली एलिवेटर रिचुअल एक ऐसा हॉन्टेड रियल लाइफ गेम है जिसके थ्रू लोग एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो गाइस, इस गेम को खेलने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ना कि हमें एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए जिसमें मिनिमम 10 फ्लोर हो। और भाई, एक तो मुझे इतना डर लग रहा है कि अगर हमने ये गेम स्टार्ट कर दिया तो हम बीच में लिफ्ट में से निकल नहीं सकते हैं। तो गाइज, इस गेम को खेलने के लिए हमें लिफ्ट में एंटर होना है, और एंटर होते ही हमारे पास एक कोड होगा और उसी सीक्वेंस से हमें हर फ्लोर पे जाना होगा। और ये सारी सीक्वेंस फॉलो करने के बाद आप जैसे ही नीचे जाने के लिए बटन प्रेस करोगे तो लिफ्ट अपने आप 10th फ्लोर पे जाने लगेगी। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाओ आपको रास्ता मिल चुका है एक दूसरे वर्ल्ड में जाने का। गाइस, बारिश आ गई बहुत तेज। आंधी क्यों आ रही है? बहुत सारे लोगों ने बिलीव नहीं किया कि एलिवेटर रिचुअल एक रियल चीज है, लेकिन गाइस 2013 में एक ऐसी चीज हुई एलिजा लैम के साथ जिसने सबको हिला डाला। ओ माय गॉड, मैं अभी क्यों हिल रही हूँ भाई, मेरे बात पे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो ये है एलिजा की रियल लाइफ फुटेज जब वो एलिवेटर रिचुअल गेम को खेल रही थी। जैसे ही उसने ये गेम खेलना स्टार्ट किया, वो बहुत एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगी। ऐसा लग रहा था एलिजा को कुछ ऐसा दिख गया है जो हमें कैमरे में नहीं दिख पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगता है एलिजा को किसी ने कॉरिडोर से बुलाया और एलिजा उसके पीछे पीछे चली गई। और गाइस, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एलिजा की बॉडी एक टैंक में पाई गई है। 3:33 AM होने वाला है, तो हमारे कोड का फर्स्ट नंबर है 4। तो चलो सबसे पहले 4th फ्लोर पे चलते हैं। ओके भाई, ओह माय गॉड, नेक्स्ट हमारा नंबर है 2। नेक्स्ट हमारा नंबर है 6। यार एक मिनट, इसका शीशा कैसे फूटा है यार, पूरा गंदा सा। हम 6th फ्लोर पे आ गए गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा नंबर है 2 अगेन। खुल क्यों नहीं रहा भाई? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो, थैंकफुली। ओके, यहाँ से गाइज हमारा जो हॉरर रिचुअल है आप समझ जाओ अच्छे तरीके से सीरियस हो रहा है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं 10th फ्लोर पे। कहाँ गया 10th फ्लोर मेरा? और गाइस, यहाँ से हमारा जो एलिवेटर रिचुअल है वो सीरियस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है यार। 5th को सुनते ही मेरे हाथ कांप रहे हैं, बिकॉज भाई, कहाँ
कहाँ जाना? माइनस टू पे आ गया, दिखा दे जरा, खुलेगा खुलेगा अब तक दे। अरे मेरा हाथ कांप भाई यार, क्या करें क्या करें, निकल जाए, एक लास्ट स्टेप बचा है, एक लास्ट स्टेप बचा है मेरे पास, क्या करना है भाई, बहुत तेज कर लेते हैं, कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। भाई मेरा हाथ कांप रहा है यार, कसम से भगवान कसम, एक हो गया। ओके गाइस, फिफ्थ फ्लोर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मम्मी बहुत तेज डर लग रहा है, क्या करना था जल्दी, प्लीज बताइए, वीडियो वीडियो छोड़िए, प्लीज वीडियो छोड़िए, बहुत तेज लग रहा है, प्लीज। ये गाइस पूरा लिफ्ट हिल रहा है यार, पूरा ये जो अभी वाइब्रेशन हुआ है ना, पूरा झटका हुआ है, तो मेरा लास्ट नंबर बचा हुआ है फिफ्थ फ्लोर। और ऐसा बोलते हैं कि फिफ्थ फ्लोर का लिफ्ट ओपन होते ही एक मिस्टीरियस लेडी लिफ्ट के अंदर एंटर करेगी और आपसे कुछ क्वेश्चंस करने का ट्राई करेगी, पूछना चाहिए, लेकिन हमें उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, हमें उसे इग्नोर करना है, तो चलो इस चैलेंज को खत्म करते हैं। यार कोई 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 नहीं अंदर ना, अरे यार लाइट भी ब्लिंक हो रही है, अजीब लग रहा है, इट्स ओके इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। ओके गाइस, तो हम फिफ्थ फ्लोर पे हैं अभी एंड कोई लेडी एंटर नहीं हुआ है, बट ऐसा मानते हैं कि हमें शायद वो लेडी दिख नहीं रही है और यहाँ पे कोई हो सकता है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमें नीचे जाना है, यहाँ से अगर हम नीचे जाने की जगह हमारी लिफ्ट अगर ऊपर जाने लगती है तो अब समझ जाना हमारा एंड है भाई, ऊपर चलते हैं। और लिफ्ट से निकलते ही मैंने नोटिस किया कि जिस लिफ्ट से हम आए थे उसकी नंबर ही गायब हो चुकी थी, सामने वाला लिफ्ट बिल्कुल ठीक था लेकिन हमारी लिफ्ट, कसम से आपके सामने हमने कुछ कुछ भी नहीं किया, ये देखो हम इस लिफ्ट पर आए हैं और इस लिफ्ट का हो और इस लिफ्ट का पूरा गायब हो चुका है नंबर। ओके तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो हमें जाना है थर्ड फ्लोर पे एंड अब हम घर जाएंगे, हम इस लिफ्ट से जाएंगे, पैदल चले। सामने वाले लिफ्ट का बटन प्रेस कर रही थी और ये वाला लिफ्ट अपने आप खुले जा रहा था, वो रिचुअल कंप्लीट करने के बाद एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे हो रही थी मुझे खुद नहीं पता, पहली बार किसी हॉन्टेड चैलेंज को करने के बाद मैंने इस तरीके की स्कैरी चीज को फेस किया था। भाई अभी को चैन की सांस आ रही है, फाइनली मैं घर में आ गई हूँ, तो दो चीज़ हुई है, एक तो जब हम 10th फ्लोर पे गए थे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, लिफ्ट इतनी ज़ोर से आवाज़ किया ना मेरी वहीं पे फट गई थी भाई, एक मिस्टीरियस लेडी आती है और फिर कुछ होता है, ऐसा हमारे साथ बिल्कुल नहीं हुआ, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो मिस्टीरियस लेडी आती है लेकिन आपको दिखती नहीं है, बस वो आपके सोल से कनेक्ट होके कुछ भी पता नहीं क्या क्या करती है, तो वो सारी बातों पर मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ, बट जैसे ही हम नीचे आए जो पूरा लिफ्ट का नंबर होता है गायब हो गया था, मतलब पता नहीं वो कुछ टेक्निकल इशू है या क्या है, बट अचानक से इतने सारे टेक्निकल इशूज कैसे आ सकते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइक लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा है। सामने वाले लिफ्ट में जिसमें हमने रिचुअल परफॉर्म नहीं किया था वो बिल्कुल सही था, उसमें सारे नंबर्स दिख रहे थे, बट जिसमें हमने रिचुअल परफॉर्म किया उसका पूरा नंबर ही गायब हो गया, एंड हम लोग सामने वाले लिफ्ट का बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो वाला लिफ्ट ओपन कर रहा है, तो मेरे साथ वो लेडी वेडी कुछ नहीं हुआ, बट ये सब जो चीज़ें हुई है उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, आई डोंट नो हो सकता है वो टेक्निकल
कुछ हो तो मुझे, भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। पर अगर आप चाहते हो कि मैं ओवरनाइट एलिवेटर चैलेंज करूँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे नींद नहीं आने वाली है। बाय गाइस।